चलिए देखते हैं आज ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक ठो नंबर है, देखिए 3, 4, 5, वो ऑक्टल है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। चलिए शुरू में क्या करेंगे, ये 3 ठो नंबर जो है उसको अलग अलग लिख लेंगे, 3, 4 और 5। अब क्या करेंगे, ये 3, 4, 5 जो है उसको हम बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 को हमारा बाइनरी नंबर क्या होता है, वो हम आप लोग का जो टेबल बताए थे उस टेबल को आप लोग के याद करना पड़ेगा, वही टेबल के हिसाब से हम लिखेंगे। देखिए 5 में हमारा क्या होता है, जो 5 है 5 में देखिए इस यहाँ पर जो है ना, शुरू में हम क्या करेंगे, बाइनरी का 3 डिजिट में लिख लेंगे 5 को। देखिए ये क्या है, यहाँ पर 5 का देखिए क्या है, 1 0 1, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 0 1 5 का हुआ। अब देखिए 4 का क्या है, 4 में देखिए 4 में क्या है, 1 0 0। अब देखेंगे हम 3 का, 3 में देखिए क्या है, 0 1 1। अब ये क्या किया हम शुरू में, इसको 5 को 3 डिजिट में लिख लिया बाइनरी नंबर में, 4 को भी 3 डिजिट में, 3 को भी। अब जो ये 10 बाइनरी नंबर है इसको हम एक जगह लिख लेंगे शुरू में, 0 1 1 1 0 0 1 0 1। अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट डेसिमल है इसके लिए हम 4 डिजिट शुरू में यहाँ से इस तरह से लेंगे, 4 डिजिट, 1 2 3 4, देखिए 4 हो गया। अब फिर इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 4 डिजिट यहाँ पर भी लेंगे, और जो लास्ट में 0 बचा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब देखिए हमारा ये टेबल जो है, ये टेबल में 4 डिजिट में देखिए 0 1 0 1 कहाँ पर है, देखिए 0 1 0 1, देखिए हमारा कहाँ पर है, 0 1 0 1, देखिए 5 में है इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखिए 0 1 0 1 कहाँ पर है, वन जीरो वन जीरो क्या पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है देखिए 1 0 1 0 है। तो अब इस ये कितने में है, 14 में है, तो 14 लिख लेंगे। वो 0 तो आप शुरू में निगलेक्ट कर देते, अब 14, हाँ भाई मैं देखिए 14 को हम लोग क्या लिखते हैं, एग्जैक्ट डेसिमल में ई लिखते हैं, जैसे कि ए को 10 लिखते हैं, उसके बाद बी को 11, यहाँ यहाँ पर ई को, ए बी सी को क्या लिखते हैं हम लोग, 12, ए बी सी और डी को क्या लिखते हैं, 1 को 10, बी को 11, सी 12, डी 13 और ई 14 और F 15। देखिए हमारे पास क्या है, 14 है, तो 14 को क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, और 5 को 5 लिख देंगे। अब देखिए हमारा ये जो नंबर है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, इसको ऐसे लास्ट में ऐसे लिख दें, 4 8 E 5 16। देखिए हमारा नंबर जो है ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। तो हम कैसे किए, शुरू में ये 3 ठो नंबर को अलग अलग लिख लिए, उसके बाद वो तीनों को क्या किए हम बाइनरी नंबर में 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर है 3 डिजिट में कन्वर्ट, उसके बाद तीनों को हम एक जगह लिख लिए, उसके बाद फिर क्या किए, 4 डिजिट ले लिए शुरू में, यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर 4 लिया, लास्ट के 0 को निगलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ बाइनरी नंबर के टेबल में देख के वहाँ पर उसको क्या है, 5 14, उसके मान 5 आए, उसके बाद E5, उसका 14 को E हुआ और 5 को 5 लिख दिया, इसके बाद एग्जैक्ट डेसिमल में कन्वर्ट हो गया।